चलिए बहुत अच्छा लगा आज कि आज इतना सारा कलाकार और सब लोग अपना बहन के शादी में ही आए हीरोइन लोग छोड़ के। सोना जी के छोड़ के, निशा जी के छोड़ के, सपना जी के छोड़ के, बाकी सारा लोग अपना बहन के शादी में। इधर गायब हो गया हम दोनों के बीच में। गायब इसलिए हो गया कि शायद मुझे रोग लग गया है गाना गाने से, बट कोई नहीं, बस समय गुजर जाएगा। रात है तो दिन होगा, दिन है तो रात होगी। आज नहीं तो कल खेसारी आजाद होगा। शेर को ज्यादा दिन तक पिंजरे में कोई नहीं रख सकता है। अब भाई कोशिश के करे खड़े लगे लगे अब हमारा ने वीआईपी ढेर के आ गया। अब कल्लू जैसा सुपरस्टार भैया बैठल बड़े, टुनटुन जैसा सुपरस्टार भैया, अंकुश राजा जैसा सुपरस्टार भागशाली वाले लोग कुर्सी मिल मिल बा जवना हिसाब से वाले लोग बैठल बनी ना, बस एक नॉट आउट आउला के जरूरत बा रवा लोग ऊपर हमनी के दी एक नंबर। हां एगो हमनी के गार्जियन विकास भैया बड़े, ये हमनी के नाम मनोज तिवारी तक लेके छान मर ले बड़े, ऊ आदमी भुइया बैठल बड़े। एगो देखिए ये लड़का कोई नहीं बचा इससे, हम खुद डरे हुए रहते हैं कि कब मेरे चीजों पे थप्पा मार दे। ये लड़का इतना सोलियत के साथ यहां बैठा हुआ है, दिखाओ तेरी देखो भिखारी बाबू रे, दिखाओ दिखाओ। सबको इधर से बैठा दीजिए, सबको बैठाइए इधर, सारे लोग खड़े हैं उनको बुरा कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम हो रही है, सबको बैठाइए नहीं तो उतार दीजिए, या तो बैठा दीजिए उधर नहीं तो उतार दीजिए, और सबसे पहले साउंड के पास से सबको बैठाइए। और साउंड रे 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 बिनो धवा बैठ बैठ चलिए हमारे राजन भाई गर्जियन तो ऐसे ही पूरे बिहार में सबसे नंबर वन है। आर्गन का आर्गन का साउंड दे दीजिए ना, देखिए ना आर्गन हमारे बाबा है बोलते नहीं है, आप थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे तुरंत जेल में चले जाएंगे। माननीय कल्लू बाबा स्टेज पे बैठे हैं, आज इनके सामने गाने का मौका मिल रहा है मुझे, ये मेरा सौभाग्य है।
कि जिनके गाने सुन के मैं कभी सुना करता था, उसके बाद गाने का स्टार्ट किया। आप इतने महान हैं कि शायद आपको पता नहीं, कितने सारे लोगों को घर बैठा दिया आपको पता नहीं। मैं नहीं आया होता तो सब लोग घर में बैठे रहे। आपकी क्वालिटी, आप जब रुकते थे ना, इस धरती ने ऐसे कलाकार को पैदा किया है। देखिए लोग बोले ना, हम हैं छुछुनर टाइप के, हम बोल दिए। जिस आदमी का नाम कल्लू है, अरविंद अकेला कल्लू, मैं इनको बाबा बोलता हूं। जो सच्चाई है इंसान को बोलना चाहिए। ये जब बज रहे थे ना, तो चाहे वो पवन भैया हो, चाहे खेसारी का तो कोई अस्तित्व नहीं था, वो समझता हमारा मनु अस्तित्व ना रहो, ब्राह्मण लिट्टी बेचता था। मैंने देखा है कि ये जब बज रहे थे, तब कोई जितने भी आदमी सब के सब घर पर बैठे थे। इस आदमी का कांडो मैंने देखा है, इसलिए आपको प्यार करता हूं। आई लव यू। हेलो, इस प्यार को क्या नाम दूं? यामाहा। हम जाता ना। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सबके पापा आ गए इधर। देखिए हम सबके बाप, हमारे अंकुश राजा जी, जो कि हम लोगों के बड़े संस्कारी। चाचा जी, आपको दिल से एक बार और प्रणाम कि आपने अपने बच्चों के अंदर संस्कार इतना दिया है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं बहुत प्यार करता हूं। अनमोल भाई, ये आर्टिस्ट कितने अच्छे, उससे मुझे लेना देना नहीं, क्योंकि मार्केट में है तो मेरे दुश्मन है। मार्केट में मैं भी हूं तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि अंकुश राजा बजे, चाहे कल्लू जी बजे, चाहे टुनटुन बजे, चाहे रंजीत सिंह बजे, या हमारा भाई है मोनू अलबेला बजे। मार्केट की बात अलग विषय है, बट आप इसलिए उन दोनों के संस्कार से मुझे बहुत लगाव है। एक मैं चाहूंगा कि अंकुश राजा के लिए जोरदार ताली बजाएं प्लीज, इन दोनों भाइयों के संस्कार के लिए कि इन्होंने इंसान की, देखिए पहचान ठीक है होती है, गायकी से होती है, पर्सनालिटी से होती है, लेकिन मैं पर्सनली इन दोनों भाइयों को मैं संस्कार के नाम से जानता हूं। और मैं जिससे भी मिलता हूं बोलता हूं कि संस्कार के मामले में आप लोग